दो प्रॉब्लम आपने देख ली है, डाई प्रॉब्लम कुछ भी याद है, डाई की प्रॉब्लम अब आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देख लिया हमने कॉइन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आएगी अब इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है उसको भी ज़रा हम सही तरीके से मजबूत हो जाते हैं उसके ऊपर भी। वो प्रॉब्लम क्या है? कार्ड प्रॉब्लम, और ये भी आपको काफ़ी नज़र आते हैं। तो देखो, कार्ड प्रॉब्लम के जो आप सवाल करते हो प्रॉबेबिलिटी के, वो करने से पहले आपको सबसे पहले कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं पता होना चाहिए कार्ड को खेलते कैसे हैं, बस क्लासिफिकेशन हल्की फुल्की पता होनी चाहिए। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप कार्ड्स देखो तो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। 52 कार्ड्स में जो 26 होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं और जो 26 होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं। जो रेड कार्ड है 26, उसमें से 13 जो है वो डायमंड के कार्ड होते हैं और 13 जो है वो हार्ट के कार्ड होते हैं। और जो 26 ब्लैक है, इसमें से 13 जो है वो स्पेड होता है और बाकी 13 जो है वो क्लब होते हैं। तो अब आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कितने डायमंड कार्ड हैं, 13 हैं। अच्छा, कितने ब्लैक कार्ड हैं, 26 हैं। कितने स्पेड हैं, 13 हैं। टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, लेकिन इसका मैंने MCQs देखा नहीं है। नहीं, एक और चीज़ बता रहा हूँ पहले मैं, कि जो 13 कार्ड है ना, इसके अंदर जो 9 कार्ड्स हैं वो नंबर वाले हैं। नंबर क्या लिखा होता है उन पे? 2 से लेके 9 तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 1 से लेके, कार्ड खिले हुए काफ़ी अर्सा हो गया, मेरे ख्याल में 10 तक होता है। हाँ, 2 से लेके 10 तक उसके ऊपर नंबर होते हैं। टोटल 9 नंबर होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो 13 कार्ड है ना, उसमें से 9 कार्ड के ऊपर इस तरह नंबर लिखे होंगे। बाकी जो 4 कार्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे? एस, जैक, क्वीन, किंग। तो 4 कार्ड ये होंगे और बाकी 9 कार्ड जो है उनके ऊपर नंबर लिखा होगा, और सबके अंदर ऐसे ही होता है। तो मैं एरो ना सबसे बना देता हूँ ताकि आपको बार बार मैं एक चीज ना बताऊं, कि जो इसमें 13 है उसमें 9 नंबर कार्ड के होंगे, 4 ही होंगे। इस तरह इसमें क्लब में जो 13 है 9 नंबर कार्ड होंगे, 4 जो है वो जैक, क्वीन, किंग जो भी है हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट अब ये बात पता होनी चाहिए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कितने जैक होते हैं, 4 जैक होते हैं टोटल। एक इधर जैक मिलेगा, एक इधर जैक होगा, एक इधर और एक इधर, तो 4 जैक हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्वीन कितनी है, तो वो भी 4 है। डायमंड की क्वीन, हार्ट की क्वीन, स्पेड की क्वीन और क्लब की क्वीन। तो इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें आएंगी, वो जब MCQ उसमें भी करेंगे साथ साथ में बताता जाऊंगा, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कोई सवाल इस क्लासिफिकेशन में? यार अगर 13 कार्ड आप लोगे ना, 13 जो डायमंड कार्ड है उसमें से 13 में से 9 ऐसे कार्ड होंगे जिनके ऊपर नंबरिंग की हुई होगी। बिल्कुल कार्ड जो है ना, पता नहीं तुमने खेले नहीं है जिंदगी में कार्ड कभी, यहाँ पे नंबर किया हुआ होगा, यहाँ पे होता है कहीं कॉर्नर पे होता है, या तो यहाँ पे होता है या इधर होता है। 2, 3 किसी पे 4 लिखा होगा, 5, 10 इस तरह लिखा हुआ होगा। तो 9 के ऊपर इस तरह की नंबरिंग की हुई होगी, 2 से लेके 10 तक की होगी 9 कार्ड्स पे। और जो बाकी 4 कार्ड होंगे ना, उन पे एस होगा, एक जैक होगा, एक क्वीन होगी और एक किंग होगी। ये 4 जो है ये समझ लो, अगर ये बात नहीं भी समझ आ रही, हालांकि बहुत ईजी है, तो इसके MCQs में नहीं बनते हैं MCQs, इससे बन रहे होते हैं कि कितने जैक होते हैं, कितने क्वीन होते हैं। और ये भी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि 13 में से 9 कार्ड जो उनके ऊपर इस तरह नंबरिंग की भी होगी और बाकी 4 जो हैं वो इस टाइप के होंगे, ये जो मैंने लिखवाए हैं। अच्छा, सिंपल प्रॉब्लम से बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब आप 52 कार्ड्स टोटल आउटकम है, कि जब आप एक कार्ड उठाते हो तो टोटल आउटकम कितने 52 कार्ड्स है ना उसके अंदर, तो प्रॉबिलिटी सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपने एक कार्ड, इसको हम बोलते क्या है, वर्ड क्या होता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। जो ऑर्डिनरी आपके पास कार्ड्स है ना, वो 52 कार्ड्स होते हैं सारे, जो नॉर्मली आप खेल रहे होते हो। तो उसमें से आपने एक कार्ड जो है ना उसको उठाया है, बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो जो है रेड कार्ड हो। कि 52 में से मैंने कार्ड उठाया और मुझे बताओ क्या चांसेस हैं कि वो कार्ड रेड कार्ड हो, क्या चांसेस हैं इसके। तो भाई जब आप एक कार्ड उठाते हो तो आपके पास 52 आउटकम्स हैं, टोटल 52 कार्ड कोई भी उठ सकते हैं ना, कोई भी इन 52 में से आपने एक उठा लिया, तो टोटल 52 है आपके पास। और इवेंट क्या है कि रेड कार्ड आए, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो बट 26 लिख दो,
26 अपॉन 52 होता है 1/2। और ये बात सेंस भी बनती है भाई, 26 रेड है 26 ब्लैक है, तो 50% चांस है मैं कार्ड उठाऊं वो रेड हो, या 50% चांस है वो कार्ड जो है वो ब्लैक हो। फॉर्मूले से आप उनको इस तरह सॉल्व करोगे। अच्छा जी, अब मैं एक और एग्जाम्पल, अच्छा इसी तरह ब्लैक का आ जाए तो ब्लैक की मैंने बताया ये प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा अब सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जैक हो, क्वीन हो या किंग हो, मतलब आपने कार्ड उठाया प्रोबेबिलिटी बताओ या तो वो जैक हो या वो क्वीन हो या वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई जैक कार्ड कितने होते हैं? 4। क्वीन कार्ड कितने होते हैं? 4। किंग कार्ड कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने बने? ये 12। और वैसे कितने कार्ड है? 52। सवाल क्या है भाई कि आपने एक कार्ड उठाया, बताओ या तो वो जैक हो, क्वीन हो, किंग हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल होते हैं भाई 52 कार्ड, और ये वाले कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12 कार्ड होते हैं। ये तो ऊपर लिख दो 12। अब आप इसको किससे कैंसिल करोगे? 12 का टेबल तो नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, पहले 2 से चलोगे 3 का चला जाएगा, 4 नहीं 3 का भी नहीं जाएगा। क्वीन 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 फोर का टेबल जा रहा था इसके ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी दोबारा बता देता हूं कि यार आपने कार्ड उठाया, वो पूछ रहे बताओ या तो वो जैक हो या वो क्वीन हो या वो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई टोटल जैक क्वीन किंग के 12 कार्ड होते हैं, 12/52, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/13। अच्छा अब एक सवाल है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने कार्ड उठाया और आपके पास ब्लैक क्वीन आए, आपने एक कार्ड उठाया और बताओ कि आपके पास ब्लैक क्वीन आ जाए। अब मुझे बताओ कितनी ब्लैक क्वीन होती हैं? ये ब्लैक है, ब्लैक के अंदर और क्या हो गया भाई, एक क्वीन यहां पे होती है, एक क्वीन यहां, टोटल 4 क्वीन होती हैं पूरे 52 कार्ड में से, तो 2 जो है वो ब्लैक की क्वीन होती हैं, 2 जो है वो रेड की क्वीन होती हैं, मतलब इसमें एक क्वीन, इसी तरह इसमें एक क्वीन, तो 2 रेड की क्वीन हो जाएंगी और 2 ब्लैक की क्वीन हो जाएंगी। तो सिंपल आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक क्वीन आपके पास 2 है और टोटल कार्ड कितने? 52। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/20। यार ये मैंने ये तो बात बोली है, इस 13 के अंदर एक कौन सा है? क्वीन है ना, इसी तरह इन 13 के अंदर क्या है? एक क्वीन है। ये तो बात मैंने बताई थी अभी कि इन सब 13 के अंदर एक एक क्वीन होगी ना, टोटल क्वीन कितनी है? 4 क्वीन है, तो 2 रेड के अंदर क्वीन है, ये जो मैंने क्या लिखवाया, ये तो बात लिखवाई भी है कि 13 में से 4 कार्ड में से एक क्वीन है, इसी तरह यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, तो 2 ब्लैक की क्वीन है, 2 रेड की क्वीन है, समझ आई बात? अच्छा अब कुछ और एग्जांपल आप लोग ट्राई करो जरा इसको देखो। अच्छा ये सवाल मैं जरा करवाता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, ये मैं करवा दूंगा। चलो ये करवा देते हैं, ज्यादातर ये सवाल मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि ये जितने इवेंट आप देख रहे हो ना, अब जो आपके पास इवेंट आएगा उसको आप ये बोल सकते हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे, ठीक है? कहने का मतलब वो इवेंट एक साथ हो सकते हैं। ये बात सुनने में मुश्किल लग रही है, एग्जाम्पल में आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। एग्जाम्पल ये कि आपने कार्ड उठाया, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि आपके पास या तो क्वीन आ जाए या हार्ट आ जाए, या तो क्वीन हो या वो हार्ट हो। अब कैसे सॉल्व करोगे? इसके मुश्किल तरीके भी हैं, मैं बिल्कुल इजी वाला तरीका बताता हूं आपको, जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं, ये काम आपने करना है। अब देखो क्वीन और हार्ट जो है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये एक साथ भी हो सकते हैं। एक चांसेस ऐसा है इसका कि जब आपने वो कार्ड उठाया तो वो हार्ट का कार्ड हो, और हार्ट के अंदर आपको पता क्वीन भी तो आती है ना, एक टोटल क्वीन कितनी है? 4 है, एक डायमंड की क्वीन, एक हार्ट की क्वीन, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने हार्ट उठाया और वो क्वीन आ जाए, ठीक है? तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात होगी, मैं इजी लैंग्वेज बताता हूं आपको।
सबसे पहले देखो हार्ट कार्ड कितने होते हैं भाई, 13 जो है वो हार्ट के कार्ड होते हैं, ठीक होगी बात। क्वीन के कार्ड कितने होते हैं भाई, 4 क्वीन के कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17। 17 नहीं आप बोल सकते, क्यों? क्योंकि इन 13 हार्ट के अंदर, ये जो 13 हार्ट के कार्ड आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से एक क्वीन का कार्ड भी तो होगा ना, इन 13 हार्ट के कार्ड में एक क्वीन भी शामिल है, तो इसका मतलब आप इसको यहां पे 12 कर रहे हो, क्योंकि जब आप यहां पे 4 क्वीन कंसीडर कर रहे हो तो इसके अंदर जो डायमंड हार्ट की जो क्वीन है वो ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, ये बात समझ आई है सबको, ठीक है। तो ये वो दो इवेंट है, कोई सवाल है? अच्छा, तो इसी तरह आपके पास कोई और सवाल भी आ सकता है कि या तो डायमंड हो या वो किंग हो, तो आपको ये पता है 13 जो है वो डायमंड कार्ड होते हैं, 4 जो है वो किंग होते हैं, लेकिन इन 13 डायमंड में एक किंग वाला भी तो होता है ना, तो या तो आप एक काम करो डायमंड को 12 कंसीडर करो और 4 किंग अलग से कंसीडर करो, या आप डायमंड के 13 कंसीडर करो लेकिन आपको पता होना चाहिए डायमंड के अंदर एक किंग जो है वो आपने शामिल कर लिया है, तो बाकी कितने किंग बचेंगे, 3 किंग बचेंगे। दोनों तरीके से आपको ये समझ आ जाएगी, टोटल 16 कार्ड ऐसे हैं कि जिसमें या तो हार्ट आएगा जिसमें या क्वीन आएगी, तो 16/52 इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है सर, ये जो चारों कार्ड हैं इसके अंदर ये आपने बता दिया चारों के अंदर एक एक क्वीन है, इसके अंदर किंग भी एक एक होगा ना? सबके अंदर एक, मैंने शुरू में ये बात बताई थी भाई, दोबारा लिख देता हूँ कि भाई पूरे 4 जैक होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, 4 ही किंग होते हैं और 4 ही एस होते हैं, और ये सब आप देख लो कि एक इसके अंदर जैक होगा, एक इसके अंदर जैक, इसके अंदर जैक, इसके अंदर जैक, तो डायमंड का जैक, हार्ट का जैक, स्पेड का जैक, इस तरह आप पूरा समझ सकते हो। अच्छा मैं एक सवाल करवा रहा हूँ, उससे आपको वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर 2 कार्ड की प्रॉब्लम आ जाए यहाँ पे तो फिर आप किस तरह करोगे। ज़्यादातर आती नहीं है इसलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन में और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। लिखा हुआ 2 कार्ड जो है वो हमने उठाए हैं, ठीक है। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सट्रैक्टेड कार्ड्स आर बोथ एसेस, कि दोनों आपने कार्ड उठाए हैं ना, दोनों एस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कैसे निकालोगे, कि 2 कार्ड दोनों जो हैं वो एसेस आए हैं आपके पास। इजी तरीका है, सबसे पहली बात दोनों की बात की जा रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तो सबसे पहले जब आप पहला कार्ड उठाओगे तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको जरा निकालते हैं। तो 52 कार्ड में से टोटल 52 है ना, अगर आप एस उठाओ तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल इन 52 में 4 जो हैं वो एस होते हैं, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, 4/52, ठीक है। जब आप पहली दफा कार्ड उठाओगे तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 52 है और 4 एस होते हैं, तो 4/52। जब आप दूसरी दफा उठाओगे तो फिर क्या मसला होगा, मसला ये होगा कि पहली दफा तो आपने कार्ड उठा लिया ना, अब रिमेनिंग कितने बचे, 51, और रिमेनिंग एस कितने बचे आप, 3, क्योंकि एक तो आपने पहले उठा लिया था। दोबारा बताता हूं, पहली दफा जब आप एस उठा रहे थे तो प्रोबेबिलिटी थी 4/52, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप दूसरा कार्ड उठाओगे तो अब पहले 52 थे, अब कितने रह गए, 51 रह गए, ठीक है, और अब एस कितने रह गए, एक आपने उठा लिया, अब एस कितने रह गए, 3 रह गए, और मल्टीप्लाई आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्होंने बोला है कि बोथ, जो 2 कार्ड उठाए हैं दोनों एस होने चाहिए, तो आपने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर और का वर्ड होता तो यहां पे आप क्या करते, ऐड कर देते। अच्छा, और फिर वो थोड़ा मसला, अच्छा ये एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट इवेंट, ये उस टाइप का टॉपिक है, मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनडिपेंडेंट इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, और डिपेंडेंट इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी किसी पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे आपने ये दूसरी दफा जो कार्ड उठाया है एस का, अब इसकी प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड कर रही है, अगर आप ये कार्ड उठाओगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/51, अगर आपने कार्ड ना उठाया होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 होती, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी वो वाली होगी। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। इनडिपेंडेंट कैसे होते, कि आप कार्ड उठाते और दोबारा रख देते, भाई आपने कार्ड उठाया और आपने दोबारा रख दिया तो आप तो दोबारा 52 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 4/52।
लेकिन यहाँ सवाल में कहीं मेंशन नहीं है कि आपने कार्ड उठाया और आपने दोबारा रख दिया, आपने वो कार्ड उठा लिया अपने पास, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड कर रही थी। दैट्स वाई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट आप इनको कहते हो। इसी के लिए जो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना, उनके लिए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हो, वो आपका टॉपिक नहीं है, ये वही वाला मैंने काम किया लेकिन इसी तरीके से किया, आपको पता भी नहीं चला, मैंने एक नई चीज़ आपको बताई है यहाँ पे। तो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि पहला कार्ड उठाया, एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, जब आप दूसरी दफ़ा उठाओगे तो एक कार्ड ऑलरेडी ख़त्म हो गया, अब 51 रह गए और कितने एस बच गए, 3 एस बच गए यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई करना आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है के दो एस कार्ड रह गए और टोटल एक कार्ड दोबारा उठ गया तो 50 हो गया। तो भाई यही प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कुछ रैंडम सवाल करवा देता हूँ जो, अच्छा कितने सवाल यार, मैं एक चीज बताऊं, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 के आपको एनएडी में काफी एमसीक्यूज मिल जाएंगे पास पेपर में, कम से कम 30-32 एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 7 के भी और चैप्टर 8 के भी 25 तक तो होंगे, तो वहां पर मैंने काफी सॉल्व करवाए, मैं जो बेसिक बातें अगर आप वहां सीख जाओ ना तो किसी भी टाइप के एमसीक्यूज आप कर लेते हो उसको, तभी मैं कहता हूँ मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, जो पास पेपर में आए हैं वो काफ़ी हैं। इसी तरह मैंने लेक्चर में आपको जो दिए हुए हैंडआउट में, इनको आपने सॉल्व करना है, जो मैं अभी करवा रहा हूँ इनको सॉल्व कर लो, बाकी कहीं से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हीं में से पास पेपर में से ना कुछ मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। हाँ देख लेते हैं, हाँ बोलो सर, ये मैंने एक सवाल सॉल्व किया था पास पेपर का, उसके अंदर 452 फैक्टोरियल। अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक बंदे ने पूछा है कि सर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों जो है ना बोथ दोनों एसेज आए, मतलब पहला भी एस हो दूसरा भी एस हो, मतलब दोनों की एक साथ बात की गई है, दैट्स व्हाई उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ अब बोलो तुम क्या कह रहे हो। सर मैंने पास पेपर का सवाल किया तो उसके अंदर 452 फैक्टोरियल अपॉन 450 फैक्टोरियल, यार 50 फैक्टोरियल कैलकुलेटर नहीं, ये सेंस मुझे बनी नहीं, कौन सा सवाल था। 452 फैक्टोरियल अपॉन 450 फैक्टोरियल, यार ऐसा सवाल मैंने देखा नहीं है, जरा मुझे सवाल भेज दो, या तो अगर अभी है तो व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं करवा दूंगा क्लास के एंड पे। मैंने क्या ऐसा देखा नहीं जिसमें 4/52 फैक्टोरियल आए, सेंस नहीं बनती इस बात की। 452 नहीं, ऐसा मैंने सवाल नहीं देखा, तो मुझे सवाल भेज देना तब हम कर लेंगे इसको। अच्छा मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल करवा देता हूँ जो मैंने पास पेपर में भी लिखी हुई है, एक सेकंड। अब ये जो यार सवाल है ना, ये आप लोगों को काफ़ी इजी लगे होंगे, मतलब काफ़ी नहीं मुश्किल है ऑब्वियसली, लेकिन जो मैंने टॉपिक बताए हुए ना ये काफ़ी आपको इजी समझ आ गए होंगे, दोबारा रिवाइज करोगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का उठाओ ना, आपको ये प्रॉब्लम लाजमी मिलेंगे, इजी इजी वाले आ रहे होते हैं। एक सवाल जो है वो मुश्किल होता है, अब स्टूडेंट पढ़े हुए होते हैं उस मुश्किल सवाल को करना, हालांकि वो बेसिक असूल जो है ना इस पे फोकस नहीं करते, ये अगर आपने चीज़ें कर ली तो आप काफ़ी निकल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के, और हर दफ़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना आएगी, परम्यूटेशन कम्बिनेशन के सवाल भी आ रहे होते हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को कुछ मुश्किल वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो कि इतनी मुश्किल है नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, वो एनएडी के पास पेपर से क्वेश्चन है। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी वेज कैन द 52 कार्ड्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक बी अरेंज इन अ रो, कि 52 कार्ड्स को ना आपने अरेंज करना है तो रॉ की फॉर्म में, तो 52 कार्ड्स हैं उनको रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो 52 फैक्टोरियल, जैसे आपने पढ़ा था ना कल फॉर्मूला एन फैक्टोरियल का, कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है उनको आपने रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल आंसर होता है, तो 52 कार्ड्स हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल। और मुझे एमसीक्यू उन्होंने भेजा है, मैं ज़रा देख लेता हूँ।
अच्छा तुम सॉल्व करने की बात कर रहे हो। अच्छा सॉल्व तो मैंने कहा तुम कह रहे हो किसी सवाल में आ रहा है, इसकी रीजन क्या है? सॉल्व करना तो खैर काफी इजी हो जाएगा सर, ये सर कैलकुलेटर के अंदर इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा। कैलकुलेटर की या वैसे कैलकुलेटर की जरूरत है नहीं सवाल में, लेकिन मैं चलो देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। यार शायद ये वैल्यूज बहुत बड़ी हैं इसलिए कैलकुलेटर जो है वो बुखला गया हो। एक सेकंड में देख लेता हूँ मेरे कैलकुलेटर में, बस मेरे में मैथ एरर आ रहा है और आई डोंट नो रीज़न क्या है इसकी, क्यों आ रहा है मैथ एरर। वैसे इसका आंसर क्या है? 452 451 और डिवाइडेड बाय 2। अब वैसे आ रहा नहीं चाहिए, लेकिन यार ये मसले होते हैं कैलकुलेटर में, क्योंकि एक दफ़ा मैं फारिग बैठा हुआ था, मैंने ये कैलकुलेट किया था, पता नहीं 2 की कोई मैंने बहुत बड़ी पावर ली थी, किस नंबर की मैंने बहुत बड़ी पावर ली थी। हाँ जैसे अगर तुम 2 की पावर 1000 कर लेते हैं, हाँ 2 की पावर अगर 1000 भी लो तब भी एरर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर की लिमिटेशन होती हैं। अब मुझे नहीं पता है कंप्यूटर मतलब इसमें कौन सी ऐसी मशीन है जिसकी लिमिटेशन क्या है, लेकिन लिमिटेशन होती है। तुम 2 की पावर 1000 निकालो नहीं आएगा, तो उसी टाइप का ये सवाल भी है शायद, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं कैलकुलेटर में, आसानी से कर सकते हैं उसको तो। अच्छा तो मैं सवाल करवा रहा था आप लोगों को, हाँ इस टाइप के सवाल वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट को। लिखा हुआ व्हेन अ गर्ल वेक्स अप ईच मॉर्निंग, एक लड़की है जो हर मॉर्निंग मतलब हर सुबह उठ रही है, द प्रोबेबिलिटी दैट शी फील हैप्पी, के प्रोबेबिलिटी है कि वो खुश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 9/10 कि वो किसी दिन भी उठेगी और खुश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल फील हैप्पी व्हेन शी वेक्स अप ऑन बोथ, बोथ का वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, मंडे एंड ट्यूजडे नेक्स्ट वीक। कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब वो मंडे और ट्यूजडे दोनों दिन उठे और वो दोनों दिन खुश हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है खुश होने की, है ना। हाँ अब इसको सवालों करोगे किस तरह, किसी दिन भी खुश होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, तो भाई मंडे को भी प्रोबेबिलिटी खुश होने की 9/10 है, ट्यूसडे को भी खुश होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, क्योंकि उन्होंने बोला था किसी दिन भी खुश होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, तो मंडे ट्यूसडे भी उन्हीं दिन में आते हैं, तो ये तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी की बात की। अब वो बोल रहे हैं कि बोथ मतलब मंडे को भी वो खुश हो ट्यूसडे को भी खुश हो, तो मैंने बताया था जब बोथ की बात की गई है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। 9/10 इसको मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 18/20, तो प्रोबेबिलिटी क्या, सॉरी 81/100, तो दोनों दिन खुश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 81/100, पॉइंट में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 0.81, कि वो दोनों दिन खुश होगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.81, ठीक है। तो जब बोथ की एक साथ की बात की जाती है तो आप क्या करते हो मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, और जब और की बात की जाती है तो आप ऐड करते हो, और वो डिपेंड करता है अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप ऐड ही करते हो, अगर डिपेंडेंट कुछ होता है तो फिर मसले हो जाते हैं उसके अंदर, लेकिन खैर नॉर्मल इस टाइप के एमसीक्यू आते नहीं हैं, ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन के आते तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरह मैं एक और एमसीक्यू करवाता हूँ, फिर सवाल तो पूछना। लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस, जेनिस से मुझे फ्रेंड्स याद आ गया, द प्रोबेबिलिटी दैट जेनिस डज नॉट स्कोर अ गोल इन एनी गेम ऑफ हॉकी इज 2/3, कि किसी भी गेम ऑफ हॉकी में जेनिस जो है वो गोल ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये एमसीक्यूज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सवाल, ये 71 है जो मैंने ई कैट में आपको एमसीक्यूज दिए हैं ना, वो 71 है चैप्टर नंबर 7 का, तो आप वहां भी इसका सवाल देख सकते हो, मैं बस सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसका। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ये कि वो किसी भी मैच में हॉकी के गोल स्कोर ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर करने की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और आपको ना करने की निकालनी हो तो आप 1 से माइनस कर दोगे। यहां पे स्कोर नहीं करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कोर नहीं करेगी, तो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाँ का मतलब करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 से माइनस कर देना, 1 - 2/3 जो है वो 1/3 होता है, तो ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। अब जरा सवाल सुनो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फर्स्ट 2 गेम्स ऑफ द सीजन शी स्कोर्स इन बोथ गेम्स, दोनों की बात की गई है, बोथ की बात की गई है। उन्होंने सवाल में आपको दिया है कि गोल ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है,
हमें ये बताओ कि वो दोनों गेम में गोल करे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपने किसी भी एक गेम में गोल करने की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/3, 1 से माइनस करके ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो किसी भी गेम में गोल करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो पहले मैच में भी गोल करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे मैच में भी गोल करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बोथ की बात की गई है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों गेम में गोल करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। इसी सवाल को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि दोनों गेम में गोल ना करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो गोल ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 या मल्टीप्लाई कर देना, 2/3 × 2/3 ये हो जाएगा 4/9। तो इस तरह भी सवाल आ सकता है, डिफरेंट वेरिएशंस वो आपको दे सकते हैं। खैर इसी तरह बाकी सवाल भी आपको PDF मिल जाएंगे। एक आखिरी बस बाद में बता देता हूँ ताकि समझ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन टुडे इज 60% कि आज प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस कितने, 60% नो रेन के, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 65%। यार एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि सवाल वैसे समझ नहीं आएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सवाल ये गिवन है कि टुडे, टुडे के दो चीजें होंगी, टुडे रेन हो, टुडे रेन ना हो नो, और रेन हो यस। इसी तरह टुमारो की बात की गई है तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो मैं टुमारो भी भाई बारिश ना होने के चांसेस, बारिश होने के चांसेस। अच्छा अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन टुडे इज 60% कि आज बारिश ना होने के चांसेस कितने, 60%। तो 60% चांसेस है कि आज बारिश ना हो, अलार्म था। अच्छा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 75%, कल होने की प्रोबेबिलिटी 75% है। उन्होंने आज ना होने की प्रोबेबिलिटी दी और कल होने की प्रोबेबिलिटी दी कि 75% है। व्हाट इज द परसेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब परसेंटेज में आपने बताना है दैट इट विल रेन नाइदर टुडे नॉर टुमारो। अब जरा समझो, वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि आज भी बारिश ना हो, कल भी बारिश ना हो, मतलब आज भी बारिश नहीं हुई, कल भी बारिश नहीं हुई। तो सबसे पहले तो आप आज बारिश ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, इसी तरह आप कल की भी निकालो कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 75% होने की है, ना होने की क्या हो जाएगी, 25%। अब आपको बताना है कि दोनों दिन ना हो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 25% क्या लिख सकते हो आप, 2.5/10, या इजी फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 25% इज 1/4, ठीक है, इसको 1/4 कर लेते हैं, 60% को आप लिख सकते हो 3/5। खैर आप लोगों के पास तो कैलकुलेटर, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आज ना होने की 60%, कल ना होने की 25%, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3/20। तो इसका मतलब दोनों दिन ना होने की प्रॉबिलिटी 3/20 है, इसको अब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो आप कैलकुलेटर में जाना, 3/20 को आप मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 15। इसका मतलब 15% चांसेस है कि आज भी बारिश ना हो, कल भी बारिश ना हो, ठीक है। यार ये कैलकुलेशन है, आप 60% को फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो ना, 6/10, 10 में से 6 60% होता है, इसको सिंप्लीफाई करो 3/5 हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप बस एक काम करना, परसेंटेज को नंबर में किस तरह आप कन्वर्ट करते हो, डिवाइड बाय 100 करते हो, तो 60 को 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी 25 को 100 से डिवाइड कर दो, और इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर दो, बस कैलकुलेटर खुद ही आपको आंसर दे देगा 3/20। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 15% चांसेस है कि दोनों दिन बारिश नहीं होगी। अब आखिरी बात, इस सवाल की वेरिएशन ये हो सकती है कि वो आपको बोले कि दोनों दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 40% है, दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। खैर इससे रिलेटेड बहुत सवाल हैं, आप लोग NID के पास पेपर जो है उनको सही तरीके देख लेना, जो मैंने MCQs करवाए हैं बोर्ड एग्जाम के वो देख लेना, PDF में दिया हुआ काफ़ी है आपके लिए, वो सॉल्व कर लेना तो समझ आ जाएगी।